ये राजाओं का सीक्रेट पॉइंट है। हाँ। वो पॉइंट पे मुजरा होता था। अरे वाह, इट्स नॉट अबाउट दी डेस्टिनेशन, इट्स ऑल अबाउट दी जर्नी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज हिमांशु, मीट माय फ्रेंड करण। हेलो गाइस। सो गाइस, आज हम लोग गुड़गांव से जा रहे हैं अलवर, और इस ट्रिप को लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज कल मेरा बर्थडे है और बर्थडे है भाई का, हैप्पी बर्थडे है, दोस्त मेरे आया है साथ में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप गुड़गांव से अलवर जा रहे हो तो कैसे जा सकते हो और कौन कौन सी जगह है आप अलवर में घूम सकते हो। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलवर के जो मेन यहाँ पे फोर्ट है, अलवर फोर्ट से। इस फोर्ट को बनाया था हसन खान ने अराउंड 600 साल पहले, और इसके फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं, यह है अलवर फोर्ट, जिसे बाला किला भी बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन स्थिति में है, अभी बंद किया हुआ है। तो वो जो टाइमिंग होती है यहाँ पे, सुबह 9 बजे खुल जाता है, तो आप सिर्फ इसी आंगन में आके इसे विजिट कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, बट अंदर जाना इसमें अलाउड नहीं है। All about the journey. दूसरी जगह जो हम आए हैं वो है विजय मंदिर, जो कम से भी कम इसको 800 वर्ष तो कम से कम बना हो गए। 800 वर्ष बरसात के टाइम में ये पूरा एरिया जो है, आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पानी से फट जाता है। और अभी क्या है कि अभी ये पूरा सूख गया है, और अभी यहाँ पर लोगों ने खेती वेती चालू कर दी है। सो आई थिंक कि बरसात के टाइम में काफ़ी देखने लायक नज़ारा हो सकता है यहाँ से। बाकी आप जैसा कि आप लोग जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे, वो है पीछे विजय मंदिर। और बाकी घूमने के लिए अच्छी जगह है, फोटोग्राफी के लिए अच्छी जगह है, एंट्री तो है नहीं अभी। अब हम लोग पहुंच गए हैं सिलिसिल लेक, जो कि राजस्थान के बहुत सुंदर लेकों में से एक लेक है। और जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ी लेक है। और यहाँ पे जो एंट्री है, पर पर्सन 100 रुपीज़ एंट्री। सो गाइज, यहाँ पे हमें सुरेश जी मिले हैं, और इन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। लेक है ये, काफ़ी प्राचीन लेक है, और राजा महाराजाओं के समय की बनी हुई है। अच्छा, तो राजा, हाँ, ये राजाओं का सीक्रेट पॉइंट है। अच्छा। राजा रात को जैसे आते थे, तो अपने जो सामने आप देख रहे हैं वो एक पॉइंट जो है, तो वो जो बीच में वो दिख रहा है, जो बीच में वो दिख रहा है, वाओ, हाँ। वो पॉइंट पे मुजरा होता था। अरे वाह। और यहाँ ऊपर से बैठ के राजा उसको देखते थे। ओह नाइस। तो ये जो पैलेस है यहाँ पे, इस पैलेस का नाम क्या है? इस पैलेस का नाम है सिलिसिल लेक पैलेस। सिलिसिल लेक पैलेस, ओके नाइस। और ये बोटिंग वोटिंग का क्या है यहाँ पे? ये बोटिंग है, पहले RDTC के अंडर में चलती थी, अभी फिलहाल ये प्राइवेट में ले ली है। प्राइवेट में ले लिया है, दूनी माकर के, जोधपुर राजस्थान में है। हाँ। उनकी है ये। क्या चार्जेस लेते हैं बोटिंग के लोग? ये अभी लेते हैं 6 कैंडिडेट बोटिंग के, तो लेते हैं 800 रुपीज। और ये जो स्कूटी बोट है इसके लेते हैं ये 600 और 800 के आसपास। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन यार सुरेश जी। आप यही लोकल हो? हाँ, मैं लोकल। थैंक यू। यहाँ से ऊपर पैलेस का रास्ता है, यहाँ ऊपर रेस्टोरेंट वगैरह। सो गाइस, दिस इज द व्यू पॉइंट फ्रॉम द पैलेस। यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है लेक का। वाओ। करण, जैसा कि सुरेश जी ने बताया कि राजा लोग जो पुराने जमाने में यहाँ पे खड़े होके उधर से अप्सराओं का, नहीं सॉरी, क्या कहते हैं उन्हें, यहाँ से मुजरा वगैरह जो भी बता रहे थे वो लोग देखते होंगे, तो कितना मजा आता होगा ना। देखो, तुम भी देखो आराम। लेक के बाद हम लोग आगे जा रहे हैं, बट जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, जो हमने पर्ची ली थी, मैंने आपको बताया था, उससे आप लोग वहाँ पे चाय वगैरह ले सकते हैं। बट टू बी वेरी ट्रू, कॉफी और चाय जो है वो मशीन से बनती है, तो वो तो नेस्कैफे का जो सेटअप होता है उसके थ्रू बनती है। बट जो हमें खाना बनता है, जो भी ब्रेड पकौड़ा वगैरह हमने खाया, बहुत ही बकवास था, मतलब नॉट वर्थ है, और इतना महंगा, कॉस्टली बहुत ज्यादा है, और उतना अच्छा मुझे लगा नहीं, इसलिए मैंने कहा बताना चाहिए, बता दिया। सो गाइस, लेक से अराउंड 5 किलोमीटर और आगे एक झरना है, वाटरफॉल है, जिसको हम देखने आए हैं। और सो गाइस, इस झरने का नाम है गरबा जी वाटरफॉल, जहां हम अभी जा रहे हैं। और जो गरबा जी हैं वो एक बाबा थे जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, ये मंदिर है उनका, और उनकी तपस्या के वजह से यहाँ पे पानी आया था। तो ऊपर एक हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे कुछ पेड़ हैं, उनकी जड़ों से पानी निकलता है, तो वहाँ से वाटरफॉल भी है, तो इसीलिए इस वाटरफॉल का नाम गरबा जी वाटरफॉल है। रास्ता आप लोग देख ही सकते हैं कैसा है, थोड़ा सा पैदल चल के ऊपर जाना है,
और काफी सारे मंकीज आपको यहाँ पे रस्ते में देखने को मिल जाएंगे, बट लोकल लोगों का कहना है कि मंकीज इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, तो ऐसे डरने की बात नहीं है, बाकी तो आगे चल के पता लगेगा। तो गाइस बेसिकली ये है झरना, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो अभी काफ़ी कम है, मे बी बरसात में काफ़ी ज़्यादा हो, और आवाज़ काफ़ी इको हो रही है, आई थिंक आपको सुनाई दे रही होगी। हेलो 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 हेलो। सो गाइस एक छोटी सी चढ़ाई है यहाँ पे, ये सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती है, उसके बाद हम पहुँच जाते हैं सीधे हनुमान मंदिर। और सो गाइस पूरी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के ऊपर तो आ गए हैं, बट कुछ इतना खास वाटरफॉल नहीं है, मे बी बरसात के टाइम पे ज़्यादा अच्छा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल सकता है, बट इतना ज़्यादा पानी नहीं है यहाँ पे। और आगे एक हनुमान जी का टेम्पल है जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं, बाकी फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, तो चट्टानें बिल्कुल क्लिप सी बनी हुई है और काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोज़ आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। बाकी घूमने के लिए अच्छी जगह है, और फोटोज़ के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे ब्लिंक हो रहा होगा कहीं पे। एक्चुअली बात ये होती है ना, भगवान के नाम से अगर मांगोगे आप तो गलत बात है, भगवान के नाम से मत मांगो, वैसे मांग लो वैसे हम दे देंगे आपको यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है। शिवरात्रि है मेरा बर्थडे बाबा, बरसात तो माओ भाई उस टाइम और भी घूमने का अच्छा रहता है। अच्छा वैसे कम आते भाई। अच्छा लो यार भाई, ऐसे मांगना बंद करो, कुछ काम करो तो बढ़िया होगा। तो हर कोई जो बंदा आता है यहाँ मंदिरों को खिलाता है, चलो कोई नहीं लीजिए। कितने का है आपके? 100 रुपए किलो का भाव, मतलब जो भी आता है यहाँ पे सबसे आप पैसे लेते हो क्या? ऐसे सबसे मांगते हैं तो लो। अच्छा आग डाल दो, 100 छपटेंगे तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, डाल अलग डालना पड़ा, ठीक है। वाओ ये है तो मुझे तो आप आ रहे हैं या तो पुण्य है, ये तो हम ख्वाब जितना ही धर्म हो गो सारो है कि नहीं? नहीं ये ख्वाब जितना तो धर्म हो गो। लो भैया आपके काम आ जाएगा, थैंक यू। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोगों की इच्छा है यार, देखो पैसे वैसे ऐसे कभी मांगने नहीं चाहिए, बट अगर ये लोग बोल रहे हैं, बेसिकली मैं भी कभी किसी को ऐसे देता नहीं हूँ मांगने पे, जो भी अपनी श्रद्धा होती है अपने दिल से जो जहाँ पर सही लगता है वही करता हूँ, बट बेसिकली वो इस तरह से बोल रहे थे बिल्कुल कान में बार बार, यू नो धर्म के नाम पे वो तो, और कल मेरा बर्थडे भी है तो मुझे लगा यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट आई थिंक ऐसे देना नहीं चाहिए किसी को बिना किसी रीज़न के। तो ठीक है वो आपकी श्रद्धा है अगर आप देना चाहते हैं तो, बाकी बंदरों को खिलाना तो अच्छी बात है, किसी जानवर को खिलाना अच्छी बात है, तो मैंने जानवरों को भी खिला दिया। तो आई रिक्वेस्ट अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो ऐसे किसी को मत देना, हाँ अगर आप जानवर को खिलाना चाहते हो तो वो तो अच्छी बात है, बट ऐसी किसी को भी बोलने पे या फिर अनटिल अनलेस आपको लगे ना कि देना चाहिए या फिर आपकी श्रद्धा है तभी देना, अदरवाइज ऐसे किसी के कहने आने पर नहीं देना। गरबा जी के बाद हम लोग रस्ते में एक रेस्टोरेंट पर रुके हुए हैं जिसका नाम है देसी ठाट, और चलिए अंदर चल के देखते हैं कि कितने ठाट हैं यहाँ पर एक्चुअल में। तो गाइस हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर, और ये अंदर डाइनिंग एरिया है यहाँ पे, तो अभी ये नया नया चालू हुआ है, नया नया बन रहा है, तो बेसिकली लोकेशन वाइज अच्छा है, लेक बिल्कुल सामने है, वहाँ पे गार्डन वगैरह भी है, तो आई थिंक कुछ महीनों में यहाँ पे कॉटेज वगैरह भी रेडी हो जाएंगे। लोकेशन वाइज अच्छा है, अगर आप लोग वहाँ से आ रहे हो वाटरफॉल से गरबा जी से तो आप यहाँ पे रुक के खाना खा सकते हैं, मेन्यू काफ़ी अट्रैक्टिव बनाई हुई है और सैलेड वगैरह है, बेसिक खाना है, कुछ खास राजस्थानी स्पेशल नहीं है, बट बेसिक खाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और रेट भी इकोनॉमिक है, इतने ज़्यादा भी नहीं है और इतने कम भी नहीं है, बट ठीक है ऑन एन एवरेज है। धन्यवाद करण। हेलो गाइस, सो ओ शिट बड़ा हम लगी सीधे रिटेक, कल मेरा बर्थडे और कल मेरा फ्रेंड मेरे भाई हैप्पी बर्थडे और मेरा